बड़ी खबर जबलपुर की चरगवा से घर में शादियों की खुशियां थी और पूरा परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ था, जहां महिलाएं मंगल गान कर रही थी, किंतु यह खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब बहन के भाई सहित पांच लोगों के ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई है। इस दुर्घटना की खबर से पूरे ग्राम में सन्नाटा का माहौल निर्मित हो गया और मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई है। उक्त घटना चरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनहाटा देवरी ग्राम में आज सुबह घटित हुई। इस दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने जानकारी में बताया है कि ग्राम के 18 वर्षीय धर्मेंद्र ठाकुर की बहन की आज शादी थी और घर में बारात आना था। धर्मेंद्र ठाकुर अपने साथ 12 वर्षीय अनूप बरकड़ी, 13 वर्षीय राजवीर ठाकुर, 15 वर्षीय देवेंद्र बरकड़ी एवं 10 वर्षीय लकी मरकाम को ट्रैक्टर में लेकर बहन की शादी का सामान लेने के लिए घर से रवाना हुआ था। वह घर से करीब 500 मीटर ट्रैक्टर लेकर पहुंचा ही था कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसमें सवार धर्मेंद्र सहित 5 नाबालिगों की मौत हो गई। आज शहपुरा तहसील के चरगवा के पास एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें करीब 7 लोग इस दुर्घटना में शामिल थे। 5 लोगों की मौके पे ही ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनके शव को परीक्षण के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। 2 लोग और हैं जो कि 9 और 10 वर्ष की उम्र के हैं। दोनों ही बालकों से मैंने खुद भी बात करी है, उनका परीक्षण के लिए और मेडिकल के लिए सुपरविजन के लिए यहाँ पे हाइड्रेशन वाटर भेजा जा चुका है। नेसेसरी जितने भी यहाँ पे प्रयोजन होते हैं, चाहे MRI हो या उनका फ्रैक्चर अगर हो उसकी भी जानकारी देने के लिए उसका भेजा गया है। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हादसा इस कारण से भी हुआ था क्योंकि जो वाहन चालक था वो 18 साल की उम्र से कम था। ट्रैक्टर बहुत तेज गति से चल रहा था जिसको संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से मौके पर ट्रैक्टर पलटने का कारण हुआ। क्योंकि जब ट्रैक्टर पलटा था ये दोनों जो बच्चे थे उछल करके साइड में गए थे, इसलिए इनको ज़्यादा कुछ नहीं आई है। मौके पर जो है SDP शासन पुलिस एवं विधायक शासन की ओर से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको 50 रुपये की राशि और जो घायल है उनको 10 लाख रुपये की राशि। अभी चरगवा का मामला आया है सामने, इसमें क्या कुछ इसकी डिटेल्स और क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी? थाना चरगवा अंतर्गत ग्राम तिनेटा है, वहाँ पर एक शादी का फंक्शन हो रहा था जिसमें कुछ लोगों को पानी लेने जाना था ताल पर। धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपना ट्रैक्टर लेकर पानी लेने के लिए जा रहा था, जिसमें 7 बच्चे और बैठ गए थे कि वो ताल पर नहा के लौट आएंगे। तो 7 बच्चों के साथ जब धर्मेंद्र ट्रैक्टर चला रहा था तो उसकी स्पीड ज़्यादा होने से वो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने के कारण 5 जो बच्चे थे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुआ है और 2 जो हैं वो उनका इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में। उन लोगों से भी बात किया है और उनके बयान लिए हैं जिसमें उन्होंने ये घटना इस तरह होना बताया है। और इन दोनों ही परिवारों को जिन मृतक जन हैं उनको 50,000 का और जो इलाजरत हैं उनको 10,000 रुपये का जो है वो आर्थिक रेवेन्यू की तरफ से घोषित किया गया है। तो मैम ये जो पूरे लोग हैं ये ट्रैक्टर पर सवार होकर आखिर जा रहा है, क्या इस बात की सूचना कुछ मिली है? जो बच्चा बयान दिया है उसने ये बताया कि वो पानी लेने जा रहे थे और बाकी बच्चे स्नान करने जा रहे थे ताल में, इसीलिए इतने सारे बच्चे उस ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ गए थे। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे जिसमें से 5 बच्चों का तो डेथ हुआ है और 2 लोग का इलाज हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जबलपुर में। सब उसी गांव के ही थे? वो उसी गांव के होना बता रहे हैं। सब छोटे बच्चे रहे जो गाड़ी चला रहा था धर्मेंद्र, उसकी एज 18 बताई है, बाकी सारे जो है 15, 13, 10 इस तरह के बताए हैं। चालक भी चालक की डेथ हो गई है।